लेबर वेलफेयर ऑफिसर इनफैक्ट गवर्नमेंट पहले रखा करती थी, लेबर मैनेजमेंट के प्रति दिखाते हैं, तो आपको इस लाइन में जाने का मौका इजीली मिलेगा। हे गाइस, क्या हाल है सभी के। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय वीडियो। हम लोग सब बढ़िया होंगे। तो बेसिकली आज मैं जिनका इंटरव्यू ले रहा हूँ उनको मैं वर्ड पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उनको डिस्क्राइब करने लग जाऊँ उनके बारे में तो आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वीडियो चला जाएगा लेंथ। तो इसलिए मैं बस एक वर्ड में बोल रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल मैन इन दिस इंडस्ट्री। और उनका एक टी गार्डन है डॉग टी स्टेट करके, एंड प्लस बहुत ही फेमस ब्रांड को ओन करते हैं जिसका नाम है लोचन टी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो के थ्रू, और उनका अचीवमेंट मैं बीच बीच में डालते रहूँगा, क्योंकि उनका अगर अचीवमेंट मैं जितना इंटरव्यू लिया और जितना बड़ा इंटरव्यू है लेंथ इंटरव्यू का, उतने में उनका अचीवमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि उनका अचीवमेंट बहुत ही लंबा है। तो इसलिए बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो ध्यान से देखो, समझो, और होपफुली आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे हर एक वर्ड में, हर एक सेंटेंस में। यहाँ पे आप लोग को नॉलेज मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो चलो इंटरव्यू शुरू करते हैं। सो सर, स्टार्ट करते हैं। और कुछ सर, जो भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, वो सब टी के रिलेटेड ही रहेगा, टी के आसपास ही रहेगा। सो नाउ यू आर करेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नॉर्थ बंगाल जोनल काउंसिल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 2018 के टर्म में मैं था, अभी तो जैसे और सब लोग हैं। ये एक एक साल की रोटेटिंग चेयरमैनशिप होती है, तो ओके। नॉर्थ बंगाल की जो जोनल काउंसिल है उसका चेयरमैन मैं था 2018 में, जिसमें सिक्किम भी आ जाता है और नॉर्थ बंगाल भी आ जाता है। सो टेल मी सर, हाउ इज योर जर्नी बीन सो फार इन दिस इंडस्ट्री? आपका जर्नी कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अगर लोग को देना चाहो तो उस एक्सपीरियंस से क्या दोगे आप? देखिए क्या हुआ कि मेरा चाय में आना और मेरा अपना खुद का बागान लगाना और मेरा ये एक्सपोर्ट का काम या जो मार्केटिंग का काम हुआ चाय का, ये सब एक मुझे लगता है एक डेस्टिनी के तहत हुआ। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे ब्रिटिश लोगों ने जब इस इंडस्ट्री को चाइना से लेके यहाँ लगाया था इंडिया में, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जो लेबर उन्हें जगह जगह से लानी पड़ी उन जंगलों में जहाँ की ये चाय बगान लगे, उन्होंने अपनी लेबर के स्वास्थ्य की चिंता सबसे ज्यादा करी। और स्वास्थ्य की चिंता जब कोई एक आदमी करेगा तो पहले उसके खाने पीने की चिंता करेगा। जब उसे अच्छा खाना पीना मिला और उसको अच्छी वो मेडिकल फैसिलिटीज मिल गई, अच्छी का मतलब ये नहीं है 5 स्टार होटल्स और हॉस्पिटल्स और 5 स्टार थिंग्स, जो हेल्दी होता है, जो नेचुरल होता है। तो उन्होंने उनको जब ठीक किया और उन्होंने जब गाछ लगाए उन हेल्दी लेबर ने, तो वो प्लांटेशन भी बहुत हेल्दी हुए। और एक अच्छा वर्कर और एक अच्छी गाछ या चाय का पेड़ अच्छी चाय भी देता है। उस तरीके से जो इंडस्ट्री डेवलप हुई, एक बहुत ही प्रीमियम इंडस्ट्री डेवलप हुई। और उसमें फिर उन लोगों ने, अंग्रेजों ने 2 मार्क बनाए, एक का नाम हुआ दार्जिलिंग, एक का नाम हुआ आसाम। और एक वो दिन आया जब पूरी दुनिया 2 ही किस्म की चाय जानती थी, एक दार्जिलिंग जिसका मतलब खुशबू और एक आसाम जिसका मतलब स्ट्रेंथ, जो दूध की चाय बनी या मसाला चाय बनी। उसके बाद में फिर जब बहुत कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, तब चाइना की चाय उभर के आई, जो कि शायद हमसे भी बड़ी इंडस्ट्री थी, और फिर सब कुछ हुआ। तो मेरा जो संदेश है अपने और लोगों को, जो भी लोग भी चाय में आना चाहते हैं, कि बहुत अच्छे मन से आए, खूब मेहनत से इसको सीखें, इससे सुंदर कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमारा खुद का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। यस सर, आप थोड़ा वर्क कल्चर के बारे में बताइए कि क्या चेंज हुआ है, क्योंकि आजकल आप यू मस्ट बी मीटिंग लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो टी गार्डन में काम कर रहे हैं, जिसको आज के लैंग्वेज में मिलेनियल्स या जेनजी बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वर्क कल्चर में चेंज हुआ आपके टाइम में और अभी के टाइम में, जो टी प्लांटर्स है, जो यंग टी प्लांटर ज्वाइन कर रहे हैं टी गार्डन को?
क्या चेंजेस क्या आप देख रहे हो लोगों में? बहुत सीरियस चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि पहले तो बड़े सिंपल तरीके से चाय को पी लिया जाता था। ऑल ऑफ ए सडन अभी देखा जा रहा है कि चाय के साथ में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि कलरिंग हो रही है या आपके फ्लेवरिंग हो रही है, और एक नई चीज चली है जिसे ब्लेंडिंग कहते हैं, जिसमें कि फल फूल जड़ें, जड़ों में जैसे जिंजर आ गई, फूलों में जैसे कि आपके हर तरीके के फूल आ गए, मान लीजिए रोज है, उसके बाद हिबिस्कस है, उसके बाद क्राइसेंथेमम है, और बहुत सारे। फिर फल आ गए जैसे सेब डाले जाते हैं, संतरे के छिलके डाले जाते हैं, और बहुत सारे और फल डाले जाते हैं। तो फल फूल जड़ डंडियां, डंडियां जैसे सिनेमन है, तो हर तरीके की चीज डाली जा रही है। और कल मैं एक पढ़ रहा था एक इंटरव्यू के बारे में, जिसमें मुझे बड़ी हंसी भी आई कि टी बैग्स के चलते बहुत सारे वो कंट्रीज यूरोप में जिनके लिए चाय नई है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि चाय का मतलब क्या है, क्राइसेंथम, या चाय का मतलब क्या है, स्ट्रॉबेरी, या चाय का मतलब क्या है, चॉकलेट। तो एक नया बिल्कुल ही रूप बन रहा है, जिसमें कि हमें अब टी एजुकेशन बहुत ज्यादा डीपली देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, टी कल्चर बोल के जो चीज होती है, जो कि चाइना में थी बेसिकली, कि चाय अपने आप में एक दुनिया है। चाय कोई खाली सिंपल ऐसा नहीं है कि गरम गरम पानी पी लिया, या उसमें दूध मिला लिया, या उसको कुछ और कर लिया कि अगरबत्ती चारों तरफ लेके बैठ गए। चाय अपने आप में एक बहुत डीप कल्चर है, जिस टी कल्चर को कि हमें अब खुद पहले तो सीखना है, और फिर उसकी मास्टरी करके फिर हमको लोगों को सिखाना है, तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ये इंडस्ट्री वापस अपनी जगह पे बहुत सुंदर तरीके से स्थापित। राइट, सो सर, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू सर, एक काफी चीज चाइना के रिलेटेड आपके बारे में पता चला कि यू आई थिंक आपने चाइनीज टी के बारे में भी शायद स्टडी किया हुआ है, एंड क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में, एंड हाउ वाज योर ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस, कैसा था? आप चाइना गए थे, चाइना में आप जो सीखे हो उसका एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे सर? देखिए, मेरी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई चाइना की वजह से, और मैं जो है इस चक्कर में थोड़ी थोड़ी चाइनीज भी सीखना शुरू किया, खाली देखता रहता था, उन अक्षरों के ऊपर मेरी निगाहें टिकी रहती थी जो कि चाइनीज पिक्टोग्राफ्स कहते हैं, और मैंने इस भाषा को सीखा भी, इस साउंड को समझा भी। तब मैंने देखा कि बिना इस सिस्टम को जाने हुए हम चाय की गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिए जब हमको ये इंडस्ट्री हमारे हाथ में आई ब्रिटिश लोगों से, तो वो छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने जैसा था वैसा हमको हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि इतनी बड़ी टी इंडस्ट्री खरीदने वाला कोई था नहीं, तो उन्होंने लोगों को गिफ्ट किया, या जो लोग जिम्मा ले सकते थे उनको दी और चले गए। तो वो धीरे धीरे एकदम बहुत बड़े बदलाव में आई। अब हमको इसको जो उठाना है, इस वक्त जमीन के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, हर जगह लोगों को जमीन चाहिए, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चाय को, चाय बागानों को उखाड़ दिया जाए, या उनमें होटल्स बन जाए, या उनके टूरिज्म का वो हो जाए, तो वो सारी चीज ठीक है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बहुत ही केयरफुली होना चाहिए। तो चाय की कल्चर को समझना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी चीज है। सर, मैंने रिसेंटली एक यूएस एंटरप्रेन्योर थी जेनिफर नोविकी, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने एक चीज बहुत कॉमनली बोला कि यूएस में काफी वुमेन एंटरप्रेन्योर को, वुमेन जो लोग चाय के रिलेटेड वहाँ के जो आउटस्कर्ट में जो टी गार्डन है छोटे छोटे, वहाँ पे जितने लड़कियां हैं वो लोग काफी प्रमोट होती है और वहाँ पे लड़कियों को प्रमोट किया जाता है। बट इन इंडिया मैं टी गार्डन में स्पेशली अगर हाईलाइट करूँ, वहाँ पे ज्यादा लड़कियां टी गार्डन ज्वाइन नहीं करती है। आपका वुमेन एम्पावरमेंट को भी लेकर काफी मैंने हाईलाइट पोस्ट देखा है, तो आप कुछ बोलना चाहोगे क्यों लड़कियां ज्वाइन नहीं कर रही आज के टाइम में टी गार्डन? देखिए, लड़कियां ज्वाइन नहीं कर रही हैं, ये शायद एक थोड़ा आधा अधूरा स्टेटमेंट है, क्योंकि टी गार्डन के ऊपर में जो प्लाकर्ड्स होते हैं, जो कि टोटल वर्क फोर्स की अबाउट 80% होते हैं, वो सब लेडीज ही होती हैं, या लड़कियां होती हैं, या औरतें होती हैं, और उनमें यंग लड़कियां भी बहुत सारी होती हैं। तो इनका
इन्वॉल्वमेंट तो पूरा ही है, लेकिन आपकी एक बात सही है कि जो यंग लड़कियां हैं, एकदम यंग हैं, जो थोड़ी देखने में भी अच्छी हैं, सुंदर हैं, तो वो लोग भाग रहे हैं। अभी ये जो मॉल कल्चर आ गई है, तो मॉल कल्चर में क्या है कि लड़कियों का एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। हर शोरूम चाहता है कि भाई उसकी शोरूम में कम से कम दो तीन चार अच्छी लड़कियां रहें, जिनसे अट्रैक्ट होकर के लोग ग्राहक भी उनके अंदर घुसते हैं, आते हैं, करते हैं। तो उसकी वजह से इफेक्ट तो है, ये बात आपकी सही है, लेकिन वुमेन इन्वॉल्वमेंट कोई कम है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत हाई इन्वॉल्वमेंट है। बट इफ यू टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आज भी लड़कियां आना नहीं चाहती है. जैसे यहाँ पे मोस्टली मेजोरिटी देखा जाए वो एक मेल डोमिनेट, ये आप मानोगे डोमिनेटेड ये इंडस्ट्री है ये, कि यहाँ पे सिर्फ मेल आपको हर जगह मिलेगा एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, लड़कियां कम मिलेगी. आपकी बात एकदम सही है, और अब मैंने उसको आपके एंगल से देखा। आपका एंगल है कि मैनेजमेंट जो है, चाय का मैनेजमेंट, चाय बागानों का मैनेजमेंट, उसमें 100% और 1000% और उससे भी ज्यादा जितना बड़ा कह सकें, उतना परसेंट मेल डोमिनेटेड ही था, लेडीज नहीं हुआ करती थी। सबसे पहली शायद लेडी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर जो थी वो एक लड़की थी नेपाल में या दार्जिलिंग में, लक्ष्मी लिंबू कौशल, जिसने पीछे CII ज्वाइन किया, और जब मैं चेयरमैन था तो वो ही थी, और वो उसी बाग गार्डन से शुरू की जिसमें मैं पहला मैनेजर बना था। तो हम लोग काफी क्लोज हैं और हम लोग इस सारी बातों को करते हैं। तो ये बात ठीक है कि वुमेन मैनेजरशिप नहीं थी पहले, जीरो थी, और वो पहली लड़की थी, और अब कुछ लड़कियां आई हैं, अभी भी कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं। और एक बात पे ये देखता हूं कि शायद वो लड़कियां ज्यादा सिंसियर हैं, ज्यादा इफेक्टिव हैं, और वो जिस सीरियसनेस से काम करती हैं उससे मैंने देखा है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है और अनुशासन भी बढ़ा है। तो मेरा मैसेज तो यही रहेगा, जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग रिलेटेड हैं, जो लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं, कि यदि लड़कियों को बागानों में एम्प्लॉय किया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। मेरी अपनी बेटी खुद, जो हमारा एक छोटा सा बागान है बिहार में जिसमें हम चाय बनाते हैं और खूब फेमस है, वो भी मेरी बेटी देखती है और मेरी मिसेस देखती है। मैं तो उसमें कभी कभी जाता हूँ, ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, जो चाइना का एसिमिलेशन हमको करना है चाय में, उस काम में मैं और मेरा बेटा बहुत ध्यान से उसको देखते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है आपकी, वो एकदम सही है और उसको हमें बहुत सीरियसली ठीक, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ट्रू ट्रू. यस सर, अब थोड़ा सा एस्पायरिंग टी प्लांटर्स के एंगल से मैं सवाल पूछता हूँ. रिसेंटली मैंने कौशिक भट्टाचार्य, शायद आप जानते होंगे, NITM के डायरेक्टर है, उनका इंटरव्यू लिया जी था. उन्होंने मुझे सिंपल से एंगल बताया था कि जब कोई स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए उनके इंस्टीट्यूट में, तो पहला सवाल होता है कि हमें बड़ा बंगलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें इतने सारे सर्वेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. आपको लगता है कि इस एंगल से कोई टी प्लांटर, जो एस्पायरिंग टी प्लांटर, उसको देखना चाहिए जॉब में जाने के पहले टी गार्डन में? ये तो देखिए एक बहुत ही हल्का सोच है, क्योंकि जो पहले बड़ा बंगलो हुआ करते थे, वो जब टी इंडस्ट्री शुरुआत हुई उस वक्त नहीं थे, जब वो लोग ब्रिटिश लोग जो आकर के उन्होंने शुरू किया था, वो तो बेचारे टेंट्स में रहे थे, बांस के घरों में रहे थे, और जब इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल हुई तो धीरे धीरे ये सारी चीजें बनी थी। और इनका जब हेडे आया टी गार्डन के एस्टेब्लिशमेंट होने के कम से कम 50 साल बाद, तब वो सब बने और टी प्लांटर को एक बहुत बड़ा रूप देने के लिए कि वो फाइनल अथॉरिटी है, जिसकी वजह से उसका जो मैनेजमेंट था वो चलता था, वो टी गार्डन बैंगलोर बने। और समय के साथ साथ वो डिप्लीट होकर के आज बिल्डिंग्स जरूर रह गई, उनके अंदर का सामान भी गायब हो चुका है, या तो चोरी हो गया या कुछ लोग ले गए, ये 1% रह गया, 99% गायब हो चुका है। तो उन कोठियों के लिए रहने के जाने के लिए शायद ये गलत सोच होगा। ये चाय के बगानों को, चाय की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की चेष्टा करना और उसके बारे में बहुत डीपली सोचना, उसके कंजम्पशन को बढ़ाने की चेष्टा करना, उसकी क्वालिटी को जो उसके कंज्यूमर हैं उनसे रिलेट करना, ये सारी चीजें सीखना ज्यादा जरूरी है।
बड़ी कोठी और कोई और कोठी तो अगर आज हम उद्यमी होते तो हमारे पीछे पीछे दौड़ती और अपने आप आ जाती है हमारे चारों तरफ, लेकिन उसकी चाहत करके जाने में हवाई हाथ लगती है। ट्रू सर, कनेक्टिंग विद दिस, एक सवाल है कि अगर आपको टी गार्डन में जाना है, आपको जॉब भी मिल गया है, तो आपको क्या क्या हर्डल के थ्रू जाना पड़ेगा, क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवर्क सब करते हैं, हार्डवर्क के अलावा आपको कैसे सरवाइव करना है कोई टी गार्डन में? देखिए बेसिकली क्या है, ये है मैन मैनेज, और लोगों को हैंडल करना आना बहुत जरूरी है सीखना। यदि आप लोगों को हैंडल करना नहीं जानते हैं तो आपके चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं खड़ी रहेंगी और आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते, आप खुद ही छोड़ के आ जाए। तो सबसे पहला काम है टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा कि कैसे हम उन लोगों को हैंडल करें जो हमारे चारों तरफ दिन भर काम करेंगे। हम एक होते हैं और हमारे चारों तरफ काम करने वाले 99.99% लोग होते हैं, जिनके बीच में हमें अपनी अथॉरिटी को कायम करना है। उसके लिए हमको बहुत केयरफुल रहना है। और जब मैं पहले दिन ज्वाइन करने आया था चाय बगान में अराउंड 50 साल पहले, मेरी उम्र मुश्किल से 20 साल थी, तो मुझे भी यही बोला था कि देखो तुम्हारी अपनी दो आंखें हैं लेकिन तुम्हारे पीछे 2,000 आंखें तुम्हें वॉच कर रही हैं कि तुम कैसे क्या कर रहे हो। इसलिए तुम्हारा अपना कंडक्ट बहुत एग्जैक्टिंग होना चाहिए, बहुत राइटियस होना चाहिए, और जरा सा भी हल्का काम करने से वो तुम्हारे लिए बहुत खराब होता। So, इसलिए मतलब हर कॉलेजेस इंस्टीट्यूट में एक मैनेजमेंट का कोर्स भी होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कि उनको पता चले कि मैनेजमेंट करना कैसे है और इतने सारे लोगों को संभालना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो है ही एक सारी बात कि अगर आप मैन मैनेजमेंट नहीं जानते हैं तो कोई भी चीज आप नहीं कर सकते, चाहे मॉडर्न इंडस्ट्री हो चाहे जिंदगी की कोई चीज हो। अपने घर में रहना भी अल्टीमेटली तो इंट्रा पर्सनल रिलेशंस ही है, उसी हिसाब से ये। सर, टी गार्डन के रिलेटेड एक और सवाल है कि अगर किसी को इंटरव्यू क्रैक करना है, आप कोर्स खत्म करके आ गए हो, उसके बाद इंटरव्यू में बैठना है, सीनियर को फेस करना है, तो कैसे वो इंटरव्यू क्रैक करे, ये बहुत लोगों का सवाल है सर। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई बड़ी चीज है, क्योंकि जैसा ये एक जॉब है वैसे ही और भी जॉब है। लेकिन हाँ, यदि आप नेचर के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप खेती के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप लेबर मैनेजमेंट के प्रति दिखाते हैं, तो आपको इस लाइन में जाने का मौका इजीली मिलेगा। यदि आप बहुत कंफर्ट देखना चाहते हैं कि भाई बड़ी कंफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी, बड़ा इजी जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत हार्ड वर्किंग काम है और इसके घंटे भी अनलिमिटेड होते हैं। मैंने तो इसे 24/7 की तरह जिया और आज भी इसका आनंद लेता हूं मैं। मेरी दुनिया ही चाय की है, मैं चाय के बुलबुले के अंदर रहता हूँ, शायद ऐसा लगता है मुझे। आई रियली एंजॉय दिस, आई रियली एंजॉय दिस। ट्रू सर, अब एक मेरा सवाल ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, बस एक ऑडियंस में से मुझे सवाल पूछना था, किसी ने पूछा था और काफी मैं सिमिलर सवाल में से एक सवाल उठाया, तो काफी एक सवाल था जो सब लोगों ने पूछा था, क्योंकि आपको, आप टी गार्डन में जाते हो, आपको असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट पता है कि ये होता है, लेकिन बहुत लोग को ज्वाइन करना है लेबर वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे, वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और उस पोस्ट में क्या क्या होता है सर, आपके, आप अगर बता सको, आप समझा सको तो। देखिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर इनफैक्ट गवर्नमेंट पहले रखा करती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती थी, और अब तो वो पोस्ट मैंने कभी देखी भी नहीं। लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो आते हैं उनका काम बड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनको तो जो सरकारी नियम है उसकी तरह से करवा दें, और वो कभी भी पॉसिबल होता नहीं है। एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आके रहती है, जैसे क्रैच, क्रैच मतलब जहाँ पे जो यंग मदर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको कहीं रैप करके ही तो उन्हें काम करना है, वो लोग तो 2 साल की छुट्टी नहीं पा सकते। तो
क्रच में जो फैसिलिटी होती है वो कोई वेलफेयर ऑफिसर भी कुछ नहीं करा सकता। जितनी फैसिलिटी दे दीजिए वो बच्चा रोएगा, वो माँ तकलीफ पाएगी। हाँ, आप कुछ खिलौने दे सकते हैं, दूध की बॉटल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कहीं भी ठीक बैठ नहीं पाता। और मेरे हिसाब से लेबर वेलफेयर ऑफिसर का काम बहुत कठिन काम है। ये सोचना कि ये बड़ा इजी काम है और ये बड़े आराम से हो जाएगा, ये बहुत गलत होगा शायद। और मैं यदि एनकरेज करूंगा तो एक गलत मैसेज दूंगा कि भाई मैं किसी को बरगलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये काम में आप आ जाइए, या मिसलीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबसे अच्छा काम चाय बगान में चाय बनाने वाले का होता है। चाय बनाने के लिए उसकी नॉलेज बहुत डीप होनी चाहिए, हर तरीके की। उसको जमीन को भी जानना पड़ेगा, उसको गाछ को भी जानना पड़ेगा, उसको वेदर को भी जानना पड़ेगा, उसको मशीन को भी जानना पड़ेगा, और उन सब की हैप्पी मैरिज के बाद ही वो एक अच्छी चाय बन सकेगी। क्योंकि उसके लिए फिर जो फीडबैक आते हैं ब्रोकर्स के या कंज्यूमर्स के या बायर्स के, उन सबको इंटीग्रेट करना है। तो ओवरऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, लाइन है, काम है। अब लेकिन दिन पे दिन ये डिफिकल्ट होती चली जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, कंजम्पशन कम हो गया है, ग्लट की पोजीशन आ गई है, रियलाइजेशन कम होते चले जा रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्टीज हो गई है। सर, चाइना और इंडिया के कॉम्पेटिवली, ये भी ये मेरा पर्सनल सवाल है, चाइना और इंडिया के कॉम्पेटिवली आपने डिफरेंट क्या देखा, डिफरेंस क्या देखा चाय के रिलेटेड? दोनों ही ग्रोइंग कंट्री है। देखिए क्या है कि चाइना एक टोटली डिफरेंट वो है, एक दूसरा ही पूरा सेटअप है। उनके यहाँ क्वालिटी के ऊपर में बहुत स्ट्रेस होता है और हमारे यहाँ क्वांटिटी के ऊपर स्ट्रेस होता है। अनफॉर्चुनेटली ये सारा चेंज होगा, हो रहा है, लेकिन ये अभी अपरेंटली नहीं दिखाई देता है कि हम लोग क्वालिटी कॉन्शियस हुए हैं। हम लोग अभी भी क्वांटिटी कॉन्शियस हैं, और इसके पीछे सारा रीजन है ऑक्शन। ऑक्शन सिस्टम की वजह से चाय बड़ी सस्ती बिक जाती है। कोई भी आदमी जरा सा भी ये चीज का एग्जाम्पल पा सकता है कि यदि वो चाय सारी की सारी अपनी बेचने की कोशिश करता है तो उसका रियलाइजेशन इजीली 10 से 15% बढ़ जाता है। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है। चाइना में ऑक्शन नहीं है, उनकी क्रॉप हमसे 2-3 गुनी है, वो लोग बड़े आराम से बेच रहे हैं उसको, क्योंकि उन्हें करना है, जो करना होता है वो आसान हो जाता है, और जो बिना करे हुए हो जाता है ऑक्शन सिस्टम में कि भाई यहाँ से चाय पैदा हुई और कहीं भेज दी, वहां से जो पैसा मिल गया वो मिल गया। अब वो जब कम होता है तो आप किसको पास करते हैं, लेबर को पास कर देते हैं कि भाई हम ये नहीं दे सकेंगे, ये देरी हो जाएगी, ये आज नहीं होगा। वो लोग हमारे ऊपर आश्रित है, इंडिया में टी गार्डन लेबर हमारे ऊपर आश्रित है, तो वो बेचारे झक मार के उसको मान जाते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। यही एक बहुत बड़ी कमी है इंडिया की, और इंडिया और चाइना के अंदर डिफरेंस है। वो लोग बहुत एफर्ट करके बेनिफिट पर्पज में अगर जी चाहे, मतलब जैसे कि अगर इंडिया के वर्कर्स लोग को पे सर्कल का अगर डिफरेंस किया जाए तो क्या फर्क होता है चाइना और इंडिया के वर्कर्स में, टी प्लांटर्स में 10 गुना, 10 गुना? दस गुना। अगर हम 100 रुपया देते हैं तो चाइना में 1,000 रुपया मिलता है। उसी हिसाब से काम होता है, उसी हिसाब से इंटेलिजेंस लेवल है, उसी हिसाब से स्वास्थ्य है। और वो लोग किसी गार्डन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो अपने चाहे जहां काम कर सकते हैं, जहां उनको ठीक पैसा मिलता है। इसी इक्वेशन की वजह से सारी चीज बदल गई है। मतलब वहां पे फ्रीलैंसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है कि आप काम कर सकते हो, फिर दूसरा गार्डन में काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग ही है टोटल, वहां पे किसी गार्डन की अपनी लेबर ऐसी है ही नहीं कि वो उनकी अपनी लेबर है कि उसको उन्हें काम देना ही है। तो जब उन्हें अच्छे वर्कर्स चाहिए तो ज्यादा पैसा देना पड़ता है, वो देते हैं, वो अच्छे वर्कर्स उनके आके पहले काम करके आते हैं। दे डोंट हैव अ डेली वेजेस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन चाइना। नहीं, इस तरीके का बंधा हुआ नहीं है जैसे हमारे यहाँ है, जिसकी वजह से इतनी कुरीतियां पैदा हो गई हैं जिसका कोई हद नहीं है। लेकिन अपने आप को खराब बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
अपने आप को किसी भी तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। विल एंड दिस जी वेलकम। कन्वर्सेशन क्लोजिंग नोट सर। आप जो लोग टी गार्डन में घुसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? देखिए, आना चाहिए तो मैं सदा बोलूंगा, क्योंकि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक मैनेजमेंट की क्वालिटी नहीं सुधर सकती। यदि मैं ही ये मैसेज देने लगूंगा कि नहीं आना चाहिए तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि चाय इंडस्ट्री तो जब ही सुधरेगी जब अच्छा मटेरियल हमारे पास मैनेजमेंट स्तर पे भी होगा। लेकिन जो लोग नेचर के प्रति उदार हैं, नेचर के प्रति प्यार है, वही लोग इसमें आने चाहिए। खाली पैसे के लिए या बड़ा को के लिए या गाड़ी घोड़े के लिए यदि आएंगे तो उसमें वो सक्सेस नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड इट्स लवली टॉकिंग विथ यू सर। और काफी लोगों को नॉलेज मिला होगा, इंस्पायर हुए होंगे आपको देखकर, आपका जर्नी देखकर।